मोहब्बत का भूत जिस पर चढ़ता है उसे न दिन नजर आता है न रात। एक ऐसा प्रेमी जो रात होते ही प्रेमिका से डरता है, डर ऐसा कि वो पहुंच गया थाने। प्रेमी ने कहा, बचा लो साहब, वो रात को आती है मुझे डराती है। अपनी गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या करने वाला आरोपी प्रेमी 8 महीने बाद अपना जुर्म कबूल करने के लिए खुद पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस थाने जाते ही वो रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, साहब मुझे बचा लो, वो भूत बनकर आती है और मुझे डराती है, मेरी गर्लफ्रेंड का भूत मुझे मार डालेगा। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, जिसके बाद आरोपी से उसकी गर्लफ्रेंड के शव के बारे में जानकारी हासिल की गई और हत्या के 8 महीने के बाद मृतका का शव बरामद किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया, लेकिन दावा है कि जेल में रहते हुए भी उसकी गर्लफ्रेंड का भूत उसे डराने के लिए आता है। गर्लफ्रेंड के भूत के डर से कबूला गुनाह। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है। आरोपी गोपाल खाड़िया पेशे से ईंट भट्टे में ड्राइवर का काम करता था। उसकी गर्लफ्रेंड अंजू यादव इसी भट्टी में काम करती थी। दोनों के बीच यही मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जुलाई 2022 में आरोपी गोपाल ने अंजू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अंजू पिछले 8 महीने से लापता चल रही थी। अंजू की मां रमशीला ने जुलाई 2022 में थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रामपुर चौकी पुलिस 8 महीने से अंजू की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मां ने अंजू के बॉयफ्रेंड गोपाल पर शक जाहिर किया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। जिसके बाद पीड़िता की मां ने एसपी से जाकर इसकी शिकायत की। तब पुलिस ने 10 जनवरी को गोपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछे जाने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोपाल ने बताया कि अंजू शादी का दबाव बनाने लगी थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था और एक दिन गुस्से में उसने अंजू का गला घोंट दिया। अंजू का भूत परेशान करता है साहब। गोपाल ने कबूल किया कि वो अंजू को ढेलवा डीह में सागौन की एक नर्सरी में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। गोपाल ने बताया कि उसने लाश को नर्सरी में 20 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसका कहना है कि हत्या के बाद उसे अंजू का भूत परेशान करता था, वो काफी समय से डरा हुआ था। उसने ये भी बताया कि कुछ दिनों से भूत की वजह से वो बहुत ही परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है। गोपाल की बताई जगह पर जाकर पुलिस ने जब खुदाई की तो अंजू का कंकाल मिला। पुलिस ने कंकाल फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव, बिहार।